रोप है तो होप है और एक्चुअली सर काम कर रहे हैं आज हमारे लिए एक रोप का

तो बात करते हैं किसी भी बिजनेस को अगर सिस्टमेटिक करना है उसके राइट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या है अगर हम इस बात को समझ लेना तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं होगी जो उन लोगों को होती है जो एक लेवल पर पहुंचने के बाद अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाने का प्लान करते हैं और उसके बाद फिर नहीं हो जाते जैसे एक बिजनेस ओनर ने अच्छा बिजनेस कर लिया बिजनेस का सेटअप कर लिया काफी टर्नओवर भी हो गया जीएसटी वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया अब उसने डिसाइड किया कि यार हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी में इन्वेस्टर आए और बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाएं अब क्या करें कि जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ कह रहे उससे क्या होगा कि एक कंपनी होगी और इक्विटी पार्टनर आएगा वो आपसे शेयर लेगा और बदले में पैसे देगा कहते दे लेकिन लेकिन आपको ज्यादा इक्विटी मिलेगी नहीं क्योंकि आपकी कंपनी नई है और आपने अभी बनाई है यार हम तो बीस साल से बिजनेस कर रहे हैं हमारे गुप्ता जी जो बोल देते हैं भाई बीस साल से बिजनेस कर रहा हूं करोड़ों का टर्न है वो तुम्हारी पुरानी फर्म में है इसीलिए अगर बिजनेस को सिस्टमेटिक तरीके से हमने डेवलप किया तो पहले ही दिन से हमें वो बेनिफिट मिल सकता है जो बेनिफिट हमें जब मिलता है जब हम करोड़ों का बिजनेस कर चुके होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि हम सही तरीके से कंप्लाइंसिस को फॉलो नहीं करते तो जब तक हम छोटे स्तर पर काम कर रहे थे ना किसी को कुछ नहीं पता था जैसे ही हमारा आकार बढ़ना शुरू हुआ हमारे पास नोटिस आना शुरू हो गए कि आप हमारे ब्रांड को यूज कर रहे हैं और ये ब्रांड हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आप कहोगे कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन तो मैंने भी दी हुई है कि आपने अप्लाई किया है भाई वो रिजेक्शन होगा क्योंकि ब्रांड मेरा रजिस्टर्ड है तो तरीका क्या हुआ कि अगर आप सही तरीके से प्लानिंग पहले ही दिन से करें तो आपको हर वो बेनिफिट मिल सकता है जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए तो बात करते हैं किसी भी बिजनेस की आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब एक फर्म तो खोल लेता है चाहे अपने नाम पर अपने पिताजी के नाम पर अपने घर के नाम पर या जो भी वर्ड उसको अच्छा लगता है और फर्म खोलते समय भी ना हम एक मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि हमें कभी ख्याल ही नहीं होता कि हम इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे और एक इंडस्ट्री नहीं कई सारी इंडस्ट्रीज में जाएंगे फॉर एग्जाम्पल माइश्वरी गारमेंट्स और भविष्य में मुझे पता लगा कि अब मैं तो स्पोर्ट्स वेयर का भी बिजनेस करने वाला हूं या मैं क्रिकेट जो इक्विपमेंट होते हैं उसका बिजनेस भी करने वाला हूं या मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू करने वाला हूं या मैं कॉर्पोरेट कॉरपोरेट कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने वाला हूं और मैं कहता हूं आई एम ए कॉर्पोरेट कंसल्टेंट माई कंपनी इज माएश्वरी गार्मेंट्स क्यों क्योंकि फिर दोबारा नई आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी इसीलिए मैं आपको एक बात बताता हूं हमेशा आइडेंटिटी जो बिजनेस की हो ऐसी न्यूट्रल हो आप कुछ भी कर लो कभी पता ही ना चले कि यह कंपनी नई है या पुरानी इक like, मेरी कंपनी है ज्ञान ओवरसीज व्हेन वी राइट ओवरसीज तो वी कैन डू एनीथिंग इंपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं ट्रेडिंग भी कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं पब्लिकेशन में भी कर सकते हैं तो आपकी इंडस्ट्री का आपकी कंपनी की आइडेंटिटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप कोई भी बिजनेस कर सकें कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं जैसे आपका नाम कुछ भी हो साथ में अगर आप ओवरसीज लगाते हैं तो आप एक मल्टी डायमेंशनल कंपनी है आप किसी भी सब्जेक्ट में जाएंगे उस सब्जेक्ट में आप हंड्रेड परसेंट एप्लीकेबल होंगे यस और नो एग्जिम्स एग्जिम वन वी राइट मीन्स बाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनी है माइश्वरी इंडस्ट्रीज कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स होते हैं अगर आपने लिख दिया ट्रेडर्स और बाद में आप मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगा भी लें तो आप कहेंगे कि राम ट्रेडर तो जो बायर है वो कहेगा आप ट्रेडिंग करते हैं कि नहीं नहीं हमारी मैन्युफैक्चरिंग है ट्रेडर तो हमारी कंपनी का नाम है जब हमने शुरू की थी तो पहले ही दिन से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऐसा होना चाहिए कि बाय न्यूट्रल हम कुछ भी करें हर बिजनेस वो इंप्लीमेंट हो और कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमने सब कुछ किया भी हुआ है तो अगर हमें यहां से सौ गुना दो गुना पांच गुना आगे जाना है तो आज भी हम डिसीजन लेंगे तो वो राइट डिसीजन होगा जो हमें नेक्स्ट लेवल लेकर जाएगा सबसे पहले सोल प्रोप्रेटरशिप सिंगल ओनर एक ही ओनर वही उसकी आइडेंटिटी वही उसका पैन कार्ड वही फर्म का पैन कार्ड इसकी प्रॉब्लम क्या होती है जब आप इन्वेस्टर को साथ लेना चाहते हैं और इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होता है तब आप कहते हैं अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी अगर कंपनी बनाने का प्रोसेस पच्चीस से तीस दिन का हुआ तो हो सकता है वो इन्वेस्टर आपके साथ आने के बारे में सोचने लग जाए या आपकी वो डील मिस हो जाए कितने लोग हैं जिन्होंने शार्क टैंक देखा और बहुत मजा आया मजा आया ना कैसे बढ़िया से जाते हैं बोलते हैं मेरा ये बिजनेस है फलाना ठिकाना और मुझे पांच करोड़ की फंडिंग चाहिए दस परसेंट इक्विटी दी पांच परसेंट इक्विटी दी मजा आता है ना आपको लगता है हम भी इससे अच्छा तो हम ही बोल लेंगे पर आप गए तो नहीं ना वहां पर क्योंकि आपको पता ही नहीं जाने का प्रोसेस क्या है आज मैं आपको बताता हूँ शार्क टैंक इंडिया का थर्ड सीजन जो है वो ओपन है आप शार्क टैंक इंडिया थर्ड सीजन लिखो गूगल पे जाओ उनका फॉर्म पूरा भर दो आप ये सोचो ही मत कि आपको बुलाएंगे या नहीं आपको भी नहीं पता कि कौन किसको कब कॉल कर देगा फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग का पिछले सेशन में मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूं लेकिन वो कह रहे थे इतनी बड़ी फंडिंग के लिए हम प्रोग्राम करते नहीं है स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है सोल प्रोप्रेटरशिप भी एक फार्मूला है दूसरा है ओपीसी वन परसेंट कंपनी और वन परसेंट कंपनी का मतलब है हो तो आप इंडिविजुअल पर आपने अपनी कंपनी की आइडेंटिटी अपने आप से अलग कर ली उसका पैन कार्ड अलग है उसके नॉर्म्स टर्म्स कंडीशन अलग है अगर कोई एलिगेशन आता है कोई प्रॉब्लम आती है कोई लाइबिलिटी आती है तो आपकी कंपनी जिम्मेदार है देखिए इंडिविजुअल आइडेंटिटी और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि अगर किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आपके पास आता है और कोई भी देनदारी आपकी बनती है तो कंपनी की अलग और आपकी अलग है अगर आप एक सोल प्रोपराइटर हैं तो हर अवस्था में आपकी सारी की सारी संपत्ति आपकी कंपनी की संपत्ति मानी जाएगी इसीलिए समझदार लोग अगर वो स्मॉल स्केल कर रहे हैं तो या तो सोल प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी कंपनी बनाते हैं एंड द नेक्स्ट पार्टनरशिप पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन वू आर एग्री टू शेयर देयर बिजनेस स्टार्ट देयर बिजनेस एंड रेडी टू शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड द सेम प्रोपोर्शन या जो भी प्रोपोर्शन उनके बीच में है। लेकिन पार्टनरशिप की भी एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्या है अगर पार्टनरशिप डिस्प्यूट होता है और किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी पड़ जाए तो वो थर्ड पार्टी दोनों या दोनों में से किसी एक से पूरे पैसे लेने का हकदार है क्यों क्योंकि आप दोनों एक मिलकर आइडेंटिटी है आप दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं उस पेमेंट को करने के लिए देखो बनियों का एक ही सिद्धांत है कि कुछ ऐसा करो कि पैसा आता रहे या कुछ ऐसे लोगों को साथ जोड़ो जो पैसा दिलवाते रहे तो सोल प्रोपैटरशिप पार्टनरशिप ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली चीजें हैं एल एपी इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आपने पार्टनरशिप तो की है पर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है फॉर एग्जाम्पल यू आर द ओनर ऑफ ट्वेंटी परसेंट शेयर अगर कोई डिस्प्यूट कोई मैटर होता है कोई लीगल कंप्लाइंस होता है कोई पेमेंट की रिकवरी होती है तो आपसे केवल बीस परसेंट लिया जा सकता है और मैं अपनी लाइफ में किसी विषय को बताता नहीं जिसका मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया ऑलरेडी आई स्टार्टेड विद सोल प्रोपैटरशिप बाद में उसी कंपनी को ओपीसी बनाया बाद में एक और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए मैंने पार्टनरशिप फर्म बनाई और जब पार्टनरशिप में छत्तीस लाख रुपए देकर मैंने चीज सीखी है कि अगर पार्टनरशिप भी करें दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप पार्टनरशिप डी रजिस्टर्ड होनी चाहिए नहीं तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाओ ना कि मेरी लाइबिलिटी तो लिमिटेड रहे अगर ऐसा होता अगर मैं इनसे पहले पूछ लेता ये बात प्रॉब्लम पता है क्या इंडिया में बिजनेस ओनर कब पूछता है कंसल्टेंट से जब प्रॉब्लम आ चुकी होती है फिर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत महंगा पड़ता है नेक्स्ट दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिस इज द राइट वे टू स्टार्ट अ बिजनेस अगर आपकी कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनी की आइडेंटिटी आपसे बिल्कुल डिफरेंट होती है आपकी कंपनी में कितना भी घाटा हो लेने वाला व्यक्ति केवल उतना ही ले सकता है जितने की आपकी शेयर कैपिटल आपकी कंपनी की वैल्यू इक्विटी कितनी है फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी की वैल्यूएशन दस लाख रुपए है और आपको एक करोड़ की लाइबिलिटी कोई आ जाती है तो उस कंपनी से केवल दस ही लाख वसूल कर सकता है सब कुछ करके तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेकिन क्या है कंप्लाइंसेज ज्यादा होते हैं डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होते हैं तो हम सोचते हैं सबसे आसान क्या है सबसे आसान क्या है सोल प्रोप्रेटरशिप एक ही पैन कार्ड एक ही एक ही रिटर्न एक ही इनकम टैक्स एक ही जीएसटी उसके बाद आती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी द पर्सन हु इज अ विजनरी अदरवाइज छह लाख रुपए से लेकर दस बारह लाख रुपए साल के केवल इसलिए खर्च नहीं कर रहा कि मेरा नाम हो गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्योंकि उसका कुछ ना कुछ विजन रहा होगा कि आने वाले समय में अपनी कंपनी की इक्विटी हम ओपन शेयर होल्डर्स को भी देंगे और साथ में सेबी के साथ रजिस्टर होकर आई ले आईपीओ लेकर आकर ओपन पब्लिक को अपने शेयर देंगे जिसका विजन इस तरह का होगा वही अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएगा ताकि वो भविष्य में आगे कई गुना बेहतर बढ़ सके ध्यान रखिएगा यदि किसी भी तरीके से आपके बिजनेस की आइडेंटिटी एक बार डिसाइड हो जाती है तो उसी के आधार पर आप जितने भी साल बाद पुराने होते हैं आपकी कंपनी भी उतनी पुरानी होती है हर बार आपका विजन बदलेगा आपका सोच बदलेगा आपका नजरिया बदलेगा आपके काम करने का दायरा बदलेगा एक छोटी सी कविता बोलता हूं कि कैसे सोच का दायरा बदलता है लाइफ में ना आपके ऐसे टर्निंग पॉइंट आएंगे जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है ऐसे टर्निंग पॉइंट ऐसे लोग जो आपको दूसरी डायरेक्शन में ले जाएंगे जिस डायरेक्शन में आप थे ही नहीं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है ऐसे टर्निंग पॉइंट लाइफ में बहुत बार आएंगे एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा अंडे से जन्म लेता है यस yes और नो अंडे yes. से जन्म लेता है ना तो उसका दायरा कितना है वो कवच और वो उतना ही सोचता है क्योंकि उतना ही उसका संसार है कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार तब मैं यही समझता था बस इतना सा ही है संसार फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनको से तैयार तब मैं यही समझता था बस इतना सा ही है संसार क्यों क्योंकि अंडे के कवच में खाना पीना सब उसी के अंदर ही था कोई एफर्ट नहीं सिर्फ चोंच खोली अपने आप खाना अंदर लेकिन जब वो घोंसले में आया ना तो कंपटीशन पता है किससे हुआ उसने देखा मेरे जैसे तीन बच्चे और फीड करती है ना उसके बावजूद भी जो तो बच्चा ताकतवर होता है वो फीड पहले ले लेता है और जो कमजोर है उसको सबसे बाद में मिलता है और अगर नहीं बचा तो नहीं भी मिलेगा कि सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार तब मैं यही समझता था बस इतना साई है संसार फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनको से तैयार तब मैं यही समझता था बस इतना सा ही है संसार इतना ही कॉम्पिटिशन है फिर मैं निकल पड़ा शाखों पर हरी भरी थी जो कुमार जब वो अंडा बच्चे थोड़े और बड़े हुए पेड़ की बाकी शाखाओं पर गए तो गए कंपटीशन चार से नहीं है इस पेड़ पर ऐसे 40 घोंसले हैं तो 160 लोगों से मेरा कंपटीशन है फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनको से तैयार तब मैं यही समझता था बस इतना सही है संसार फिर मैं निकल पड़ा शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार तब मैं यही समझता था बस इतना सही है संसार और आखिर जब मैं उड़ा गगन में अपने पंख पसार तब मेरी समझ में आया बहुत बड़ा है यह संसार बहुत बड़ा है यह संसार और इस बड़े संसार में जब आप बड़े लेवल पर देखोगे सीखोगे समझोगे तो हमेशा आपको यह महसूस होगा कि अभी तो हम इस ब्रह्मांड पे एक छोटी सी पृथ्वी इस ब्रह्मांड पे ऐसे पत्नी कितने गैलेक्सी हैं लाखों गैलेक्सी हैं उनमें से एक छोटी सी पृथ्वी उस छोटी सी पृथ्वी पे एक छोटे से भारत देश में और उस भारत देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में एक में और मेरे जैसी हजारों लाखों कंपनी तो मेरे पास आगे बढ़ने की संभावनाएं अपार हैं यस और नो तो ये डिपेंड करता है कि आपका सोच का दायरा कैसे बदलता है जैसी लाइफ में कोई ऐसा बंदा मिलता है जो आपको नेक्स्ट लेवल पर छोड़ दे तो आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाता है